सिरसा की रहने वाली हूँ और मेरा स्कूल ममता गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और मेरी हॉबीज़ है मतलब डांस है मेरी हॉबीज़। मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मुझे डांस का इतना ज़्यादा शौक है, मतलब मैं बचपन से ही डांस करती आ रही हूँ अभी तक। और मैंने घर पे ही प्रैक्टिस किया, कोई टीचर नहीं है, कहीं मैं जाती नहीं हूँ। और मैं मतलब मेरे स्कूल में मतलब वो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, मतलब जैसे डांस में ही पार्टिसिपेट करती हूँ। और मैं क्लास 10th में हूँ, मतलब कहीं भी जाना हो जैसे मतलब किसी भी पार्टी वगैरह में मतलब वहाँ डांस तो मैं करती हूँ। डांस मेरा जुनून है, मतलब मैं डांस के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बहुत ही ज़्यादा मुझे डांस करने का इतना ज़्यादा शौक है, कहीं भी गाना स्टार्ट हो जाता है मैं डांस करने लग जाती हूँ, मतलब मेरे पैर वहीं पर उठने लग जाते हैं। कमी नहीं रखे हैं, कहीं भी गए हैं एक चीज़ मांगी हमने ला के दो दिए हैं। ठीक है, हम मान लो जो पीछे बहुत दुख से गुजरे हैं, आज ठीक है अपना तनख्वाह दे रहे हैं, सेठ ड्राइवरी कर रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम पास बढ़िया हो रहे हैं, इनकी इतना भी अपनी खुशहाली नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में। जब हम आपको कह दीजिए हमारे पास ये है वो है, चांदनी जब से मान लो चांदनी पैदा हुई है तब से मेरी जोप लगी है सही। उसके बाद मैंने पहले चांदनी से पहले मैं सिर्फ 1200 रुपये गाड़ी पे महीना सैलरी लिया करता था। तो हमारे मान लो जो एक टाइम वक्त ऐसा था जो प्याज और रोटी के साथ टाइम गुजारे हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं घरवाली है वो भी मान लो जो कई बार नून रोटी है प्याज के साथ रोटी खाए हुए हैं। बाकायदा जब चांदनी पैदा होती शायद मेरा किस्मत बदलना था। चांदनी के पैदा होते मेरे मान लो जो कंपनी में थोड़ी जॉब लगी, भारत पेट्रोलियम के ड्राइवरी मिल गई। वहाँ मान लो चांदनी फिर चलती रही। जब चांदनी 2 साल हो गया, चांदनी जब 2 साल की थी तो मान लो कहीं मंदिर में चाहे कहीं आसे पड़ोस कहीं डेक रेडियो कुछ भी बजता था तो बचपन से कूदने लग जाया करती थी। और दूसरा नंबर हमारा बच्चा पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप छोटा फैमिली है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी मेरी बेटी जा रही है डांस करने के लिए वहाँ से बढ़ चढ़ के काम करे और अपना दादा दादी और मम्मी पापा शहर का नाम रोशन कर सके।
नमस्कार जी, मैं रेनू है, मैं चांदनी के मम्मा बोल रहे हैं जी। मैं एक चांदनी लड़की बेटी है जी, एक देवा लड़का है जी। मैं दोनों स्कूल में जाते हैं जी, दोनों पढ़ाई में सही है। लड़का थोड़ी कमज़ोर है जी, चांदनी सही है जी। स्कूल जाते हैं, आ जाते हैं, फिर खाना अपना खा लेते हैं जी। फिर थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा ऊपर चला के अपना खेल कूद लेते हैं। फिर थोड़ा सा मैं डांट देते हैं जी, पढ़ाई कर लो। मैं रोटी बना लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं जी। अब बहुत दिक्कत से पाला है जी मेरा लड़की, पहला है, एक लड़का है छोटा जी। अब विशेष यही कहते हैं जी, मेरा लड़की आगे बढ़े जी, बहुत दिक्कत से पाला जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं जी, मेरे बेटी जीत के आए। नमस्कार जी, मैं योगेश सैनी, सिरसा का रहने वाला हूँ, सिंचावत पट्टी जी। ये मेरी भतीजी लगती है चांदनी, हमारे पड़ोस में रहती है। इसका व्यवहार अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छी है, और वैसे भी रहन देन में भी सब कुछ अच्छा है और सही है जी। वैसे पढ़ने में भी ठीक है, घूमने फिरने में भी ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चांदनी फाइनल जीत के लाए। चांदनी मेरी भतीजी है, वैसे नंद है भतीजी। चांदनी बहुत अच्छी है, ये पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, वो डांस कॉम्पिटिशन में हर बार भाग लेती है अपना, और बच्चों को भी सिखाती है, और मेरी छोटी सी गुड़िया उसको भी डांस में सिखाती है, यही चांदनी सिखाती है। मैं चाहती हूँ चांदनी अच्छा नंबर आगे जाके अच्छा नंबर लेके आए। मेरे पापा ड्राइवर हैं, पेट्रोल पंप की गाड़ी चलाते हैं। मेरी बहन डांस करती है, फोन पे डांस सीखती है, तो हर बार भाग लेती है ना, तो फर्स्ट आती है। और मुझे भी कभी कभार कह देती है कि डांस कर लो, फिर कर लेते हैं।
मेरे घर आती है, मेरे साथ थोड़ा एंजॉय वगैरह करती है। और दीदी मेरे को कहती है, दीदी गाना चला दो, मुझे डांस करना है आपके साथ। तो हम दोनों मिलके डांस भी करते हैं और चाय वगैरह भी पीते हैं, साथ में बिस्किट वगैरह खाते हैं। शो दिया जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रही। थैंक यू KKSD।